हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कि जीरो इन्वेस्टमेंट में पॉलिटी फार्मिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। जी हां दोस्तों, सुनने में ज़रूर आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में भी पॉलिटी फार्मिंग कर सकते हैं, पॉलिटी फार्मर बन सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सकते हैं मुर्गी पालन का। दोस्तों, वीडियो चालू कर रहे हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो रेड कलर से लिखा होता है सब्सक्रिप्शन, उसको दबाएं, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी जानकारी हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो में हर सब्जेक्ट से अलग वीडियो है। जितने भी हमारे युवा दोस्त हैं, साथी हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। तो दोस्तों आइए सब्जेक्ट पर आते हैं। आपको साथियों करना क्या है कि आपको एक हर जगह पोल्ट्री फार्म होते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहां मतलब बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं, पोल्ट्री फार्मर ऐसे हैं जो कि अपना पोल्ट्री फार्म बंद कर चुके हैं या चलाते नहीं हैं या बना के किराए से देते हैं। तो आपको एक पोल्ट्री फार्म किराए से लेना है। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपने 5,000 का पोल्ट्री फार्म किसी से 1 साल के लिए किराए से ले लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है आपको कि किसी भी कंपनी से आप सुगना, सिमरन, आईबी या जो भी सिमर जो भी अन्य कंपनी जिससे भी आपके इधर चलती हो, उन कंपनियों से आप अनुबंध कीजिए कि हम साहब अनुबंध करके अपने फार्म पे आपका चिक्स पालना चाहते हैं। कंपनी आपसे अनुबंध करेगी दोस्तों, आपको उसमें ओनली कर्मचारी रखना है और चिक्स पाल के देना है, बाकी का सारा खर्च कंपनी उठाएगी। चिक्स भी मुर्गा जब तैयार होगा तो वो भी कंपनी खरीदेगी, दाना भी कंपनी देगी, चिक्स भी कंपनी देगी, दवाई भी कंपनी देगी, मेडिसिन भी कंपनी देगी, सब कुछ कंपनी देगी। ओनली आपका पोल्ट्री फार्म जो किराए से लिया वो रहेगा और आपकी लेबर रहेगी। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने 5,000 का पोल्ट्री फार्म किराए से लिया है, अब उसमें आपने अनुबंध करके कंपनी को दे दिया, तो 6,000 रुपये तो आपको एक कर्मचारी रखना पड़ेगा, उसका खर्च आपका आएगा। दोस्तों 6,000 तो वो हो गया, इसके बाद में पोल्ट्री फार्म का जो भी मान लीजिए कि 10,000 रुपये महीने में आपको 5,000 का पोल्ट्री फार्म आराम से मिल सकता है। तो 2 महीने का आप 45 दिन में ये तैयार हो जाता है, लेकिन हम 2 महीने का मान सकते हैं, 2 महीने के 20,000 रुपये वो हो जाते हैं, और 6,000 कर्मचारी के ये हो गए आपके 26,000 रुपये। दोस्तों 4,000 रुपये लाइट और बुरादे वगैरह सफाई के हम ये मान सकते हैं, तो ये 26,000 30,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये के आसपास का आपका खर्च 5,000 के पोल्ट्री फार्म में आता है। अब इसके बाद में अब मैं आपको इसकी बचत का बताता हूँ, मुनाफे का, कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए कंपनियाँ दोस्तों 6 रुपये किलो भी कमीशन देती है, 7 रुपये किलो भी, 8 रुपये किलो भी, जैसा आपका उनसे तय हो जाता है, और कुछ FCR के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा पाला है, आपका मैनेजमेंट कैसा रहा है, कितना दाना खा के कितना वजन लिया है। हम सपोज कीजिए कि 7 रुपये किलो यदि आपको कंपनी देती है, तो आपने 5,000 चिक्स पे दो किलो का एवरेज वजन भी हम मान लेते हैं कि 2,000 पे भी आप 2 किलो पे भी आप बेचते हो, तो 5,000 का दोस्तों कुछ मॉडलिटी वगैरह का एक्स्ट्रा भी मिल जाता है चिक्स करके, 100 कुंडल यानी 10 टन वजन हम मान लेते हैं, मान लीजिए तो 10 टन पे दोस्तों 100 कुंडल होता है, और 7 रुपये किलो भी आपको कमीशन मिलता है, तो 70,000 रुपये आपका बनता है। 70,000 में से आपने 30,000 रुपये आपके खर्च के निकाल दिए, इसके बाद में भी दोस्तों 40,000 रुपये की आपकी सेविंग फ्री में हो गई है। मतलब आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ पोल्ट्री फार्म किराए से लिया और एक लेबर रखी है, जीरो इन्वेस्ट आपका रहा है, उसमें 40,000 रुपये आपका प्रॉफिट निकल के आता है। दोस्तों ये प्रॉफिट हमने 100 कुंडल वजन पे लिया है, वजन 120 किलो भी कुंडल भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, रेट भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, यानी यह है कि आप कुल मिला के आपके पास बजट नहीं है, फिर भी थोड़ी सी रिस्क लेने पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों इस विषय पे यदि आपको और जानकारी चाहिए या किसी कोई आपका सवाल है तो हमसे कमेंट करके बताएं, हम उसका जवाब आपको बताएंगे और जानकारी भी आपको देंगे। और आप किसी भी तरह के अगर समस्या है तो हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके काम आएगा और आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अन्य दोस्तों को भी इसको बताइएगा, जिससे कि सभी लोग लाभ उठा सकें इस वीडियो का, और सभी अपना बिजनेस जो करना चाहते हैं, जो मित्र अपने पोल्ट्री फार्म में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपना पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय चालू कर सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।